आप भी अपने पैरों को ऐसे नाप कर देखो, अगर वो छोटे बड़े हैं तो हो सकती है जेब वाली बीमारी। हमारे शरीर का सर से लेकर पांव तक एक बैलेंस है, अगर कहीं से भी अनबैलेंस हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैरों के अंगूठों को ऐसे नापते हैं, अगर वो छोटे बड़े हैं तो वो सोचते हैं कि उनकी नाभि हिल गई है, उनको पेट में कोई समस्या हो गई है। मान लो कि अब हमारे जो पैरों का अंगूठा है वो नापने पर छोटा बड़ा दिखाई देता है, तो भाई अब क्या समझें? अगर आप श्योर होना चाहते हैं कि क्या आपकी सच में नाभि हिली हुई है तो धागे से नापें, नाभि से लेकर जहां स्तन तक नापें, और हाथों की जो रुखाएं हैं उनको ऐसे मिलाएं, और जो पैरों के अंगूठे छोटे बड़े दिखाई देते हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें। अगर धागे से नापने से ठीक है, हमारे हाथ की रेखाएं भी ठीक है, तो भाई हमारी नाभि बिल्कुल ठीक है। पर अगर हमारे पेट में फिर भी कोई ना कोई हलचल हो रही है तो भाई हमारे पेट में एसिड और गैस हो सकता है, तो भाई इस गैस का इलाज करो, ना कि अपने पेट की किसी भी तरह की मालिश करवाएं। अगर आपके हाथों की रेखाएं ऊपर नीचे आ रही हैं तो भाई आपको 101% नाभि की समस्या है। अब अगर हाथों की रेखाएं भी ठीक हैं, नापने पर भी ठीक है, हमारा पेट भी ठीक है, लेकिन हमारे जो पैरों के अंगूठे हैं वो ऊपर नीचे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? दोस्तों अब इसका कारण सुनो, मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा और आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। एक दो मिनटों में आप अपने पैरों का जो अंगूठा ऐसे आता है ना, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। कारण है एक पैर पर ज्यादा भार देकर खड़े होना। दोस्तों जब भी हम खड़े होते हैं तो दोनों पैरों पर एक जैसा भार नहीं देते, जैसे हम चलते हैं दोनों पैरों पर एक जैसा भार होता है, लेकिन जब भी हम ऐसे खड़े होते हैं तब हम टेढ़े खड़े होते हैं, एक टांग पर ज्यादा भार देते हैं, जिससे हमारा जो कुल्ला है जिसे हम हिप बोलते हैं, वो जो ज्वाइंट है वहां पर फर्क आना शुरू हो जाता है, और ये जो फर्क है हमारे कुल्ले से हिप से लेकर पैरों तक होता है, और ये जो फर्क है ये हमारे चलने पर भी महसूस होता है। किसी के पैरों में ये आधा इंची और किसी किसी के तो 3 से 4 इंची तक ये जो फर्क है ये पड़ जाता है। अब इस फर्क को हम कैसे दूर करें? दोस्तों जो हमारे पैरों के अंगूठे हैं ऊपर नीचे हैं, इसे ठीक करना बहुत ज्यादा आसान है। आप सीधे लेट जाओ, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, घर के किसी भी मेंबर को बोलो कि जो हमारे पैर का अंगूठा छोटा है, जैसे मान लो ये वाला छोटा है, इसको ऐसे पकड़ना है, ऊपर उठा लेना है, हमने अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है सर से लेकर पांव तक, जो पांव सामने वाला बंदा उठाएगा उसको भी हमने बिल्कुल ढीला छोड़ना है, और जिस बंदे ने उठाया है उसने ऐसे झटका सा देना है, और ये जो झटका देना है थोड़ा सा ये बहुत प्यार से देना है। अगर आप झटका नहीं देना चाहते, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा तजर्बे की जरूरत होती है, अगर आप झटका नहीं देना चाहते ऐसे, तो आप ऐसे खींच सकते हो, 3 से 4 बार आपने ऐसे खींचना है, ठीक है, बाद में पैर को नीचे रख देना है, उसके बाद फिर उठाना है और फिर खींचना है। ऐसे आप 3 से 4 बार खींचोगे, ये जो फर्क है ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। तो आज एक भाई का कॉल आया था, उसने मुझसे पूछा कि भाई मेरे हाथों की जो रुखाएं हैं वो भी ठीक है, जो मैं जहां से धागे से नापता हूं वो भी ठीक है, लेकिन मेरे पैरों के अंगूठों में ऐसे फर्क आता है, तो क्या मेरी नाभि हिली हुई है? दोस्तों ऐसी कंडीशन में नाभि नहीं हिलती, हमारे जो हिप ज्वाइंट्स होते हैं उनमें फर्क पड़ता है। जब भी हम टेढ़े खड़े होते हैं या एक टांग पर ज्यादा भार देकर खड़े होते हैं, तब धीरे धीरे सालों बाद ऐसी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, लेकिन ये दिक्कत हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन आगे जाकर ये दिक्कत बन सकती है आपके लिए। आपको बैक पेन प्रॉब्लम हो सकती है, हिप से रिलेटेड आपको समस्या आ सकती है, आपके दर्द हो सकता है, आपको सोने में दिक्कत आ सकती है, आपको बैठने में दिक्कत आ सकती है, तो इससे पहले आपकी ये बीमारी बन जाए, इसे इस तरह की मालिश कर करके हमें ठीक कर सकते हैं।